कल अपना असेसमेंट करके गए हुए हैं और एक टाइमलाइन मैंने खुद भी मांगा है। अभी पानी इसमें बढ़ा हुआ है तो अभी एग्जैक्ट टाइम फ्रेम देना संभव नहीं है उनके लिए, लेकिन हम लोगों ने यही बोला है कि जल्दी से जल्दी इसको कर लें क्योंकि इस पुल का इम्पोर्टेंस सभी जानते हैं, लाइफ लाइन है बिल्कुल। और इस पुल के बहुत दिन तक आवागमन या उस पर आवागमन बाधित रहने से हो सकता है कि जो उस साइड से आ रहे हों या यूपी से जो आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं हो, लेकिन शहर क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो जो लोकल पैदल चलने वाले हैं जिनका अपना कोई साधन नहीं है उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है। प्रशासन की तरफ से उसके बगल में एक टीका पुल बनाने का कोई ऐसा नहीं है प्रशासन की तरफ? अभी हम लोग इस तरह का कुछ नहीं प्लान किए हैं, अभी हम लोग अल्टरनेट रूट ही देंगे। हम लोग जो लोग अब पूरा ये सीजन शुरू हो रहा है पर्व त्यौहार निश्चित रहिए हम लोग के संज्ञान में है, हम लोग के संज्ञान में है। देखिए अमूमन ये अभी ये क्षतिग्रस्त हुआ है जी, बहुत सही समय पे आप ही लोगों के माध्यम से ये सूचना मिली कि क्रैक कर रहा है, क्योंकि ये लोकल ऑब्जर्वेशन था, जहाँ तक मुझे सूचना मिली किसी का लोकल ऑब्जर्वेशन था, थोड़ा सैगिंग हुई थी वहाँ पे तो लोगों ने ही बताया, ऐसा नहीं हमारे इंजीनियर वहाँ पहुँचे थे उन्होंने रिपोर्ट दिया। तो हम लोगों के लिए जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हो, क्षति तो जो होनी थी सो हो गई, इंजीनियर उस पर काम करेंगे, कोई बड़ा हादसा नहीं हो, इसलिए इमिडिएटली हम लोग को बंद करना पड़ा। अब एक से दो दिन के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ अल्टरनेट प्लान जरूर करेंगे, कम से कम पैदल चलने वालों के लिए वो हो जाए, जैसे मोटरसाइकिल है या साइकिल है वो लोग तो अपना कैसे भी निकल जाएंगे, जो बिल्कुल बेयर फुट ही चलते हैं या उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, जो कि बहुत लोग होते हैं बहुत लोग हैं सर, तो उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट सोच रहे हैं, लेकिन अभी वो जब तक वर्कआउट नहीं होगा तब तक हम लोग उसको मीडिया में फ्लैश नहीं कर सकते।